एक्सरसाइज 51 का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें डिवाइड करने के लिए कहा गया है और यहाँ पे पॉइंट वाला डिवाइड है। तो सिंपली हम लोग इसको पहले भी कर चुके हैं, तो फिर से हम लोग इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट मैंने लिया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3 से डिवाइड देना है 42.90, इसको बाद में पॉइंट नहीं लगाना है, साथ में ही पॉइंट लगाते जाना है। तो यहाँ पे 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 4 12, 4 बार में चला गया, 12 कम्प्लीटली ये कट गया यहाँ पे। तो यहाँ से 9 आएगा, तो पॉइंट वाला 9 आ रहा है पॉइंट की इधर, तो हम लोग यहाँ पॉइंट ले लेंगे, और 3 3 9, 3 3 9, तो ये कट गया यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे आएगा, तो ये 0 यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो गया ₹14.30, ये इसका आंसर है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बी पार्ट में 7 से इसको डिवाइड देना है, 112.42 इसको करना है। तो फर्स्ट में कितना जाएगा, तो 11 को लेते हैं, 7 1 7 7 माइनस होगा तो 7 4 11 होता है, तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, 7 6 42 होता है, 7 6 42 42 यहाँ पे देते हैं, और यहाँ पे कट जाएगा, ये पॉइंट वाला 4 लेंगे हम, तो यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा, लेकिन 4 लेने से नहीं, ये डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ 0 लगाना पड़ेगा और फिर से 2 लेना पड़ेगा। तो 7 6 42, फिर से 42 आएगा, और यहाँ पे 42 कम्प्लीटली कट जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा, ₹16.06, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है हम लोग के सामने, और इसको हम लोग को सॉल्व करना है, डिवाइड करना है इसको, तो 12 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 13 15.20, यहाँ पे सबसे पहले कितना बार में जाएगा, यहाँ 13 है और ये 12 है, इसका मतलब 1 बार में जाएगा, 12 1 12, और यहाँ पे माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे फिर से 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो ये अभी भी छोटा है ये, इससे इसका मतलब है कि यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 12 9 जा 108 होता है, तो 9 बार में ही जाएगा, तो यहाँ पे 9 ले लेते हैं, 108, तो बच कितना जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा। उसके बाद पॉइंट वाला नंबर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 2 नीचे आएगा, तो 12 5 जा 6 जा 72, तो 6 बार में आ जाएगा 72, ये कम्प्लीटली कट गया, और ये 0 आएगा नीचे, तो ये 0 चला जाएगा फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 109.60, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 51 का क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग के पास, और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स इज रुपीज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। तो सिंपली इसको डिवाइड करना है 6 से, इसका आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स इक्वल टू रुपीज 1277.40, द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इक्वल टू रुपीज 1277.40 डिवाइड 6। इसको 6 से डिवाइड करते हैं, इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 6 से 1277.40, यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 6 2 जा 12 हो गया, कट गया ये, 7 लिए तो 1 बार में जाएगा, 6 1 जा 6, और यहाँ पे बच गया 1, ये 17 हो गया, फिर ऊपर से 7 नीचे आ गया, और यहाँ पे 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, तो 2 बार में जाएगा, 6 2 जा 12, और यहाँ पे हो गया 5, तो ये कट गया। अब पॉइंट वाला नंबर हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, और यहाँ पे आ गया 4, 6 9 जा 54, कम्प्लीटली ये कट गया, और यहाँ ये 0 आया, और ये 0 चला गया यहाँ ऊपर। तो 1 बुक का कॉस्ट कितना आ गया, ₹212.90, और ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं।